डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। सॉरी, केमिस्ट्री अभी जस्ट पढ़े तो फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो पता होना चाहिए हम लोग जो 12th के फिजिक्स के सेक्शन में जो हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में एक ही चैप्टर है और उसका भी नाम वही है जो खंड 4 में है। तो अभी हम लोग इसमें चैप्टर में देख रहे थे कि चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में चीज़ों को समझ रहे थे, जान रहे थे। अब लिखा जाए नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग आपको पता होना चाहिए। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो भाग होता है गामा किरणों से लेकर रेडियो तरंग फैला हुआ होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्पेक्ट्रम में बात करें तो इसके जो जो भाग होते हैं उसके बारे में हम लोग छोटा छोटा पॉइंट्स को देखेंगे। तो पहला आता है, फर्स्ट पॉइंट, गामा किरणें। अब सबसे पहले हम लोग गामा किरणें के बारे में जानेंगे कि इस गामा किरणों का क्या क्या होता है, इसका गुण क्या है, इसके यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में फर्स्ट एरो लिखा जाए, लिखेंगे इसके आवृत्ति का प्राप्त इसके आवृत्ति का प्राप्त 3×10^22 हर्ट्ज से Hz मैंने हर्ट्ज से 3×10^18 हर्ट्ज होता है। इसके आवृत्ति प्राप्त कितना होता है, 3×10^22 हर्ट्ज से 3×10^18 हर्ट्ज होता है। फिर सेकेंड एरो में लिखेंगे इसका तरंग दैर्घ्य का प्रास का प्रास 10^-14 मीटर से 10^-14 मीटर से 10^-10 मीटर तक होता है फिर लिखेगा नेक्स्ट, इस किरणों की वेधन क्षमता अत्यधिक होती है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, इन किरणों का उपयोग परमाणु के नाभिक के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए होती है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग, आप देख पाए होंगे कि जो चुंबकीय स्पेक्ट्रम हम पिछले क्लास में बताए होंगे डायग्राम के तहत, एक तरफ हम लोगों ने लिखा होगा आवृत्ति और एक तरफ लिखे होंगे तरंग दैर्ध्य। ठीक है, आवृत्ति का इधर रेंज होता है और इधर हम लोग तरंग दैर्ध्य का रेंज किए हुए थे। अब इसमें परास का मतलब होता है कहाँ से लेकर कहाँ तक। जैसे मान लिया आप 10th क्लास में पढ़ते होंगे ना अम्लीयता को चेक करने का रेंज,
यानी कि अम्लीयता को कहाँ से कहाँ तक चेंज चेक कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं पीएच मान का जो निर्धारण वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है उसका। 0 से लेकर कहाँ होता है, 0 से 14। तो 0 से 14 को ही हम लोग बोलेंगे रेंज, ठीक है, या प्रास। तो ये प्रास हुआ, ये 0 से 7 के बीच में अम्ल होता है, 7 से 14 के बीच में क्षार होता है, उस 7 को उदासीन कहते हैं। उसी तरीके से सबका आवृत्ति का प्रास, यानी कि गामा किरणों का आवृत्ति लगभग कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इतना से लेकर इतना होता है, यानी 3 × 10^22 हर्ट्ज से लेकर 3 × 10^18 हर्ट्ज के बीच होता है। लेकिन अगर तरंग धैर्य का अगर प्रास बोले तो 10^14 − 14 मीटर से 10^-10 मीटर तक के बीच में होता है। और फिर लिखें कि इस गामा किरणों का जो वेधन क्षमता है, वेधन क्षमता का मतलब वेधन करने की, यानी कि उसको आर पार करने की क्षमता, जिसको हम लोग बोलते हैं वेधन क्षमता, ये बहुत अधिक होता है। और लास्ट में हम लोग लिखें कि इसका जो उपयोग किया जाता है परमाणु के नाभिक, पता है ना, परमाणु के नाभिक बीच में होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, परमाणु के नाभिक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गामा रे का ही इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कई वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते हैं कि परमाणु के नाभिक के बारे में उन्होंने खोज किया कि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वृत्ताकार चक्कर में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। तो जो सब सारे परमाणु के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करते हैं तो यही गामा किरणों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल या उपयोग गामा किरणों को कहाँ करते हैं, तो परमाणु के नाभिक के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चलिए अब लिखते हैं दूसरा दूसरा स्पेक्ट्रमी चुंबक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग हुआ एक्सरे या एक्स किरणें, इसको बोल सकते हैं एक्स किरणें, अंग्रेजी में इसको एक्स रे बोलते हैं, ठीक है, एक्स किरणें। अब एक्स किरणें का मतलब आवृत्ति प्रास कितना होता है, तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो लिखेंगे इसकी आवृत्ति प्रास 3 × 10^19 हर्ट्ज से 3 × 10^15 हर्ट्ज तक होता है। इसकी आवृत्ति प्रास 3 × 10^19 हर्ट्ज से 3 × 10^15 हर्ट्ज तक होता है। उसके नीचे सेकेंड रो देंगे, लिखेंगे इसकी तरंग धैर्य का प्रकाश प्रास 10^-11 मीटर से 10^-11 मीटर से 10^-7 मीटर तक होता है। -7 मीटर तक होता है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, इसमें गामा किरणों के सभी गुण मौजूद होते हैं, इसमें गामा किरणों के सभी गुण मौजूद होते हैं, परंतु एक्स किरणों की वेधन क्षमता एक्स किरणों के वेधन क्षमता कोमा गामा किरणों के वेधन क्षमता से गामा किरणों के वेधन क्षमता से कम होता है कम होता है। फिर लिखा जाए नेक्स्ट एरो, इन किरणों का उपयोग
इन किरणों का उपयोग डॉक्टरों द्वारा डॉक्टरों द्वारा हड्डियों में क्रैक होने का पता लगाया जाता है। हड्डियों में क्रैक होने का पता लगाया जाता है। चलिए देखिए, अब हम लोग दूसरा स्पेक्ट्रम में भाग कौन सा है, एक्स किरण, एक्सरे। तो एक्सरे के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक्सरे का आवृत्ति प्रास, आवृत्ति का मतलब हर्ट्ज कहाँ से कहाँ तक के होता है, तो 3 × 10^19 से 3 × 10^15 हर्ट्ज। और इसका तरंग दैर्ध्य का बात करें तो 10^-11 मीटर से 10^-7 मीटर तक होता है। और अगर बात किया जाए, बहुत अच्छा बात यह है कि एक्सरे का जो गुण है, एक्सरे यानी कि एक्स किरणें का जो गुण है वो गामा किरणें के लगभग बराबर ही है, लेकिन अंतर बस इतना है, वेधन क्षमता में अगर बात किया जाए तो गामा का वेधन क्षमता अत्यधिक है, वैसे एक्सरे का भी अत्यधिक वेधन क्षमता है, लेकिन दोस्तों गामा से इसका कम है, इसीलिए एक्सरे का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो डॉक्टरों द्वारा हड्डियों में क्रेक को पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया कि ये एक्सरे जो है ना, इसका वेधन क्षमता काफ़ी है, इसलिए हमारा जो चमड़ा है उसको पार करके सिर्फ हड्डियों को पार नहीं कर पाती है, ये जो एक्सरे है हड्डी को पार नहीं कर पाती है, इसका मतलब इसका भी वेधन क्षमता अत्यधिक है लेकिन गामा इतना नहीं है, गामा का वेधन क्षमता अत्यधिक है, सबसे ज़्यादा है, और इसीलिए इसका उपयोग हम लोग डॉक्टरों द्वारा हड्डियों में पाया जाने वाला क्रेक या क्रेक हुआ उसको पता लगाया जा सकता है एक्सरे के माध्यम से। इस तरह ना बोलते हैं, अगर किसी को कोई हाथ पैर ब्रेक होता है, हड्डी का क्रेक होता है, तो हम लोग बोलते हैं एक्सरे करवाइए, या डॉक्टर सलाह देते हैं एक्सरे पहले करवा लीजिए। फिर आइए नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखते हैं, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। अब ये पराबैंगनी किरणें क्या है, इसकी आवृत्ति प्रास कहाँ से कहाँ तक होती है, तरंग दैर्ध्य कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका तरंग दैर्ध्य का मान कितना के बीच में होता है, उसके बारे में लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट अरु देंगे, लिखेंगे इसकी आवृत्ति का प्रास 3 × 10^16 हर्ट्ज से 3 × 10^16 हर्ट्ज से 7.5 × 10^14 हर्ट्ज तक होता है। 3 × 10^16 हर्ट्ज से 7.5 × 10^14 हर्ट्ज तक होता है। फिर नेक्स्ट आरो दे रहे हैं, इसका तरंग दैर्ध्य का प्रास, इसका तरंग दैर्ध्य का प्रास 10^-8 मीटर से 10^-8 मीटर से 4 × 10^-7 मीटर तक होता है। 4 × 10^-7 मीटर तक होता है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, ये किरणें कांच द्वारा अवशोषित हो जाती है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, नेक्स्ट एरो देंगे लिखेंगे
कीमती पत्थरों की पहचान है तू, कीमती पत्थरों की पहचान है तू, पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है, पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। देखिए पराबैंगनी किरणों में हम लिखें कि इसका आवृत्ति का प्रास कितना से कितना होता है, 3 × 10^16 हर्ट्ज से 7.5 × 10^14 हर्ट्ज, ठीक है, ये आवृत्ति हुआ। अगर तरंग दैर्ध्य का बात कर रहे हैं तो 10^-8 मीटर से लेकर 4×10^-7 मीटर के बीच में तरंग दैर्ध्य का प्रास होता है। और सबसे बढ़िया बात कि पराबैंगनी किरणों को अगर छोड़ा जाए और सामने अगर शीशा मिल जाए, सामने क्या मिल जाए, शीशा, तब ये शीशा को पार नहीं कर पाता है, यानी शीशा जो है पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, रख लेती है, अवशोषित कर लेती है। आपको पता होगा ना हम लोग अवशोषण के बारे में पढ़े हैं, अवशोषण का मतलब पूरी तरीके से सोख लेना। तो अगर पराबैंगनी किरणें कहीं से आ रही है और बीच में अगर शीशा या कांच आ जाता है, वह कांच क्या करता है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है, स्टोर कर लेता है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात कि इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका जो यूज है कीमती पत्थरों को पहचानने में होता है। जैसे बहुत सारे ऐसा ऐसा पत्थर है जो हम लोगों के लिए साइंटिफिक के हिसाब से बहुत वो कीमती हो जाता है, तो उस पत्थरों को पहचाने तो, यानी कि ये इसकी आयु कितनी है, ये पत्थर कितनी पुरानी है, ये कौन सी पत्थर है, नीलम पत्थर और बहुत सारे पत्थर होती है जो हम लोगों के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग कीमती पत्थरों के उत्पादन में या फिर जानने में उसको यूज करते हैं किसका, तो पराबैंगनी किरणें का। फिर लिखेंगे नेक्स्ट जो भाग है चौथा, वो है दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश के बारे में। ये चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कुछ भाग है, ठीक है, दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश में हम लोग टॉपिक्स देंगे, दृश्य प्रकाश, लिखा जाए दृश्य प्रकाश के नीचे एरो देकर लिखेंगे इसकी आवृत्ति का प्रास, इसकी आवृत्ति का प्रास 7.5 × 10^14 हर्ट्ज से 7.5 × 10^14 हर्ट्ज से 3.5 × 10^14 हर्ट्ज तक होता है। 7.5 × 10^14 हर्ट्ज से 3.5 × 10^14 हर्ट्ज तक होता है। नेक्स्ट एरो देकर लिखेंगे इसकी तरंग दैर्ध्य का प्रास, इसकी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रास प्रास सॉरी प्रास 4×10^-7 मीटर, 4×10^-7 मीटर से 7.5×10^-7 मीटर तक होता है। 7.5×10^-7 मीटर तक होता है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, ये किरणें मानव नेत्र के लिए दृश्य है, ये किरणें मानव नेत्र के लिए दृश्य है। नेक्स्ट एरो,
इन किरणों इन स्पेक्ट्रमी भागों, ऐसे लिखेगा, इस स्पेक्ट्रमी भागों का उपयोग, इस स्पेक्ट्रमी भाग का मतलब दृश्य प्रकाश का उपयोग, इस स्पेक्ट्रमी भागों का उपयोग वस्तुओं को देखने में अति महत्वपूर्ण है। वस्तुओं को देखने में अति महत्वपूर्ण है। तो आप जानते हैं दृश्य प्रकाश का मतलब वैसा प्रकाश जो हमारी आंख को देख सकती है, ठीक है। तो उसके लिए जो आवृत्ति चाहिए कितना से कितना, 7.5 10 के पावर 14 हर्ज से लेकर 3.5 10 के पावर हर्ज, इतना के बीच में हमें आवृत्ति चाहिए होती है। 4 × 10 के पावर -7 मीटर और 7.5 × 10 के पावर -7 मीटर के बीच में हम लोगों को क्या चाहिए, तो तरंग धैर्य का प्रास चाहिए। और दूसरा इसका गुण क्या क्या है, तो इसका जो ये किरणें हैं वो स्पेशल मानव नेत्र के लिए है, यानी कि मानव नेत्र के लिए दृश्य हैं ये किरणें। कौन सी किरणें, दृश्य प्रकाश वाली किरणें। और इसका उपयोग एक्चुअली हम लोग किसी भी वस्तुओं को देखने में महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोगों का दृश्य प्रकाश, ठीक है। और भी अगर बात करें तो दृश्य प्रकाश के बाद हम लोग आगे अवरक्त किरणें या फिर बोल सकते हैं रेडियो तरंगे तक फैले हुए हैं। तो अब हम लोग अगले चौथा भाग है स्पेक्ट्रम का, चलिए पांचवें भाग में हम लोग देखते हैं अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें, ठीक है। अब ये अवरक्त किरणें भी क्या है, एक स्पेक्ट्रमी भाग है, चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग है। लिखेंगे इसके नीचे फर्स्ट एरो देकर लिखा जाए, इस किरणों का आवृत्ति का प्रास, इस किरणों का आवृत्ति का प्रास 3.5 × 10 के पावर 14 हर्ज से 3 × 10 के पावर 11 हर्ट्ज तक होता है। 3 × 10 के पावर 11 हर्ट्ज तक होता है। नेक्स्ट एरो, इनके तरंग धैर्य का प्रास, इनके तरंग धैर्य का प्रास इनके तरंग धैर्य का प्रास 7.5 × 10 के पावर -7 मीटर, 7.5 × 10 के पावर -7 मीटर से 10 के पावर -3 मीटर तक होता है। 10 के पावर -3 मीटर तक होता है। फिर लिखेंगे, ये किरणें तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है। ये किरणें तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, इनका उपयोग मतलब किसका, अवरक्त किरणों का। इनका उपयोग हरित गृह में होता है, इनका उपयोग हरित गृह में होता है। जी हाँ, तो जैसा कि स्पेक्ट्रमी भागों का हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, उसमें अवरक्त किरणें भी एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग है, जिसका आवृत्ति प्रास 3.5 × 10 के पावर 14 हर्ट्ज से लेकर
3 × 10 के पावर 11 हर्ट्ज तक के होता है। ये है आपका आवृत्ति, और नीचे वाला आपका तरंग दैर्ध्य है, जिसका वैल्यू 7.5 × 10 के पावर -7 मीटर से लेकर 10 के पावर -3 मीटर तक के होता है। ये अवरक्त किरण है। दूसरा बात कि इसका ये जो है तापीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, का मतलब क्या, ये टेम्परेचर को, जैसे मान लिया अवरक्त किरणें अगर जनरेट होती है किसी भी स्थान पे, वहाँ का टेम्परेचर हाई होता है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता है पता है कहाँ है, पौधे घरों में, जिसको हरित गृह प्रभाव बोलते हैं, वहाँ पे अवरक्त किरणें का ही इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको एक कांच से बना, शीशे से बना घर में रखा जाता है, ताकि उस घर में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर बना रहे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर बनाने के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर बनाने के लिए हम लोगों को ये अवरक्त किरणें ज़रूरी है। और यही अवरक्त किरणें काम करती है हरित गृह में। हरित गृह का मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको हरित गृह प्रभाव भी बोलते हैं, वहाँ पे ये अवरक्त किरणें का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग देख रहे थे चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कुछ भाग को देख रहे थे, जो इम्पोर्टेंट भाग थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जो स्पेक्ट्रम का ही कहीं ना कहीं एक भाग है, तो इसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।